अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी देख रहे हो अपना पंजाब टीवी दे। मैं थोड़ा मेज़बान अफजाल आलम। सब तो पहले अपने चैनल नू करो सब्सक्राइब ते नाल ही लगी हुई घंटी नू दबाओ, क्योंकि साड़ी लेटेस्ट और बेहतरीन वीडियो साडे दोस्तों तक पहुंचे सब तो पहले। लो जी दोस्तों, ऐसे अपना पंजाब टीवी ते माशाल्लाह जनाब एक दूजे नू वैड़ दी वीडियो लैके हाजिर होए। दूसरा बारा जनाब वैड़ी सुंदी है, 10 तो 15 दिन जनाब वाले सून नू कढ़ दी है। यह देखो माशाल्लाह थन बड़ा खूबसूरत है, मोठ भर दे पावर लगे। साहिवाल वे जनाब वैड़ी क्रास है, साहिवाल दे फ्रीजन दा जनाब क्रास बनता है। कद काठ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, देख सकते हो। लोकेशन वीरां नूं दसदा जावां, तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अपना पंजाब टीवी दी टीम इस तरह जनाब मेहनत करती रहेगी। कोशिश साडी हुंदी कि जनाब अपने सबसक्राइबरां नूं अच्छे तो अच्छा जानवर दिखाया जाए। और सब तो अच्छी गल है कि जनाब ये जानवर माशाल्लाह गर्मी बर्दाश्त करने वाला है, गर्मी दे कोई परवाह नहीं। माशाल्लाह बड़े कद काठ वाली वैड़ी है जी, खूबसूरत लाजवाब है। 10 तो 15 दिन जनाब वाले सूण नूं कढ़ दी है। ठंड चढ़े दी जनाब मालकां दी गरंटी है। पिछले बारे जनाब वैड 14 तो 15 लीटर दुद्ध मालक कहिंदे ने करदी रही है, इंशाल्लाह इस तो प्लस करेगी। यह देखो माशाल्लाह सूजन है। वीडियो नूं जनाब एंड तक देखना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अल्लाह के फजलो करम के नाल अपना पंजाब टीवी की टीम इस तरह ही जिन्हें मेहनत करती रहेगी। डिमांड इन जिन्हें मालक 2,20,000 रुपये करते हैं, तो इंशाल्लाह साडा कबीर भाई आएगा तो दीद लिया जनाब जरूर करावे। 2,20,000 रुपये जिन्हें मालक इनकी डिमांड करते हैं। साहिवाल तो फ्रीजन का क्रास बनता है, दूसरा वारा बड़ी सुनती है। थन चढ़े की जिन्हें मालकों की गरंटी है। पिछले वाले दुध का रिकॉर्ड 14 तो 15 लीटर रहा इस वैड का। देखो माशाल्लाह थन बड़ा खूबसूरत मुठ भर लगे वैड में। लोकेशन एक दफा वीरां फिर दसदा जावां, तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा। किसी भी साढ़े वीर भाई ने जानवर परचेज करना होवे, साडा राबता नंबर है 0301-4552-144, 0301-4552-144। इस नंबर से साड़ी वट्सअप बनी है। असं उम्मीद करने हैं कि साढ़े दोस्तों अज की वीडियो बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक तो शेयर जरूर करो। मिलेंगे कच्छे लाजवाब वीडियो के नाल। अपने मेज़बान अफजाल अहमद, दो इजाजत। अल्लाह नेकबान।